हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, और आज हम सीखेंगे लॉग और एंटी लॉग के बारे में। देखिए, लॉग और एंटी लॉग सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग की हेल्प से हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉग। और लॉग के अंदर हमारे पास होती है लॉग टेबल। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी लॉग टेबल। तो देखिए, इस लॉग टेबल की हेल्प से हमें लॉग की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब लॉग टेबल देखने के लिए हमें समझना होगा पहले लॉग टेबल के बारे में। चलिए समझते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर ये है कि लॉग में हम 4 डिजिट्स तक देख सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, तो साथ में समझ भी लेंगे हम। सपोज कीजिए हमें गिविन है लॉग 1, 2, 3, 4। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या समझना है, हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कितने डिजिट्स गिवन हैं। देखिए, मैक्सिमम डिजिट्स हमारे पास कितने हो सकते हैं, 4। और इस क्वेश्चन में भी हमने कितने डिजिट्स लिए हैं, 4। तो हमें सबसे पहले करना क्या होता है कि जितने भी डिजिट्स हैं काउंट कीजिए उनको 1, 2, 3, 4, और उसमें से 1 माइनस कर दें। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। और उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर आप लगा दें, उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, डिजिट्स को काउंट किया और उसमें से 1 माइनस कर दिया। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। अब यहाँ पर कुछ हमें आंसर लिखना है। अब आंसर लिखने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन है 1, 2, 3 और 4। तो जो स्टार्टिंग के 2 हमारे डिजिट्स हैं, इनको हम मेन कॉलम में देखेंगे। स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को कहां पर देखेंगे, मेन कॉलम में। थर्ड डिजिट को हम देखते हैं डिफरेंस के कॉलम में, और फोर्थ डिजिट जो है हमारा, इसको हम देखेंगे मीन डिफरेंस में। ठीक है, अब ये कॉलम जो है, पहले मैं आपको लॉग टेबल में दिखाता हूं, फिर समझ में आएगा आपको। देखिए, ये हमारी लॉग टेबल है। तो जो ये वाला कॉलम है, देखिए यहाँ पर 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं, ये होता है हमारा मेन वाला कॉलम। अब यहाँ जो कॉलम से, देखिए यहाँ पर सब में एक एक डिजिट लिखा हुआ है। तो यहाँ से 0 से लेकर 9 तक, ये है हमारा डिफरेंसेस का कॉलम। और फिर यहाँ पर छोटा छोटा लिखा हुआ है 1 से लेकर 9 तक, ये है हमारा मीन डिफरेंस वाला कॉलम। समझ में आया, स्टार्टिंग वाला मेन, 0 से लेकर 9 तक डिफरेंसेस, और 1 से लेकर 9 तक मीन डिफरेंसेस। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू 1, 2, 3, 4 की। तो हमने यहाँ पर क्या बताया आपको, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स तो मेन कॉलम में देखने हैं, और उसके बाद थर्ड डिजिट जो है डिफरेंसेस के कॉलम में देखा जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर 12 को 3 पर कैसे देखा जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12, और इसको हम थर्ड वाले कॉलम में देखेंगे। तो 12 को 3 पर देखने से हमें मिला 0899। कितना आया, 0899। इसको लिख लेते हैं 0899। देखिए अभी तक हमने 3 डिजिट्स को यूज़ कर लिया, लेकिन अब ये लास्ट वाला डिजिट बचा है। तो इस लास्ट वाले डिजिट को हम दोबारा चेक करेंगे कैसे, अब इस 12 को इस 4 पे देखेंगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। देखिए कैसे होगा, देखिए हमारा मीन डिफरेंस वाला कॉलम है 1 से लेकर 9 तक, ये हमारा 12 है। तो इस 12 की लाइन में 4 को देखा जाएगा, जिसकी वैल्यू है 14। तो इस 14 को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो कितना आएगा, जीरो नाइन वन थ्री। इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेंगे 0913। तो देखिए लॉग 1234 की वैल्यू कितनी आई, 3.0913। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सा केस यहाँ पर हो सकता है। अभी हमने सॉल्व किया लॉग 1234 को, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 3.0913।
और यहाँ पर 3 हमारा कैसा आया था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट्स थे, तो 4 माइनस 1 3, तो यहाँ पर हमारा 3 बचा। उसके बाद हमने 12 को 3 पर देखा और 12 को 4 पर देखा, दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आ गया। अब अगर हमारे पास यहाँ पर गिवन हो लॉग 123.4 की वैल्यू, तो हमने क्या कहा था कि कितने हमारे पास डिजिट्स हैं उनमें से 1 माइनस करके हमें लिखना है। तो डिजिट्स हम देखते हैं पॉइंट से पहले वाले, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉइंट जो है नहीं, इसका मतलब पॉइंट जो है यहाँ पर है, तो यही तो मतलब हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है 3 के बाद, तो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 3 माइनस 1 2, तो 2 पॉइंट। उसके बाद का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, 12 को 3 पर देखें और 12 को 4 पर देखें, तो आंसर आ जाएगा 0913। अगर ये वाला केस कंसीडर किया जाए तो देखिए यहाँ पर पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1, तो 1.0913। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही पॉइंट के बाद वाली, सिर्फ पॉइंट से पहले का जो डिजिट है वो हमारा चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पर देखते हैं लॉग 1.234, तो यहाँ पर पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, 1, तो 1 माइनस 1 0, तो 0.0913। अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए पॉइंट से पहले कितने डिजिट है हमारे पास, पॉइंट से पहले एक भी डिजिट नहीं है, 0 है, तो 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा, -1.0913। तो देखिए हमारा लॉग टेबल को यूज़ करने का मेथड क्या हुआ कि सबसे पहले तो जो भी हमारे पास डिजिट्स लिखे हुए हैं उनमें से 1 माइनस करिए, हमने 1 माइनस करके लिखा। उसके बाद स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को मेन कॉलम में, 3rd डिजिट को डिफरेंसेस में और 4th डिजिट को मेन डिफरेंस में देखा, और टोटल हमने ऐड करने के बाद यहाँ पर वो वैल्यू लिख दी। चलिए कुछ और केसेस देखते हैं। देखिए गिवन है हमें लॉग 152, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट्स अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले काम क्या करना है, 3 माइनस 1, तो कितना आ गया, 2, तो 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट की टर्म्स में हमारा आंसर आएगा। अब हमें क्या करना है कि 15 को 2 पर चेक करना है, तो 15 कहाँ पर होगा, मेन कॉलम में, और 2 कहाँ पर होगा, डिफरेंसेस में, देखते हैं। तो देखिए ये हमारा 15 और हमें देखना है 15 को 2 पर, तो 15 को हमने यहाँ 2 पर देखा तो कितना आया, 1818, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं 1818, तो 15 का 2 पर कितना आंसर आया, 1818। अगर ये हमारे पास गिवन होता लॉग 1.52, तो आंसर कितना आता, हमारा आंसर होता 0.1818। देखिए भाई डिजिट कितना है यहाँ पर, 1, तो 1 माइनस 1 0, तो कितना आ गया, 0.1818। अब सपोज कीजिए हमें गिवन हो लॉग 4 6, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए अब यहाँ तो हमारे पास 2 ही डिजिट बचे, तो सबसे पहला काम तो हमें वही करना है, डिजिट कितने हैं, 2, तो 2 माइनस 1 1, इसका मतलब 1 पॉइंट की टर्म्स में हमारा आंसर आएगा। अब बात यह आती है कि लॉग टेबल में इसको कैसे देखा जाए, तो सिंपली हमें करना कुछ भी नहीं है। देखिए क्या करेंगे हम, 46 को आप 0 पे देख लें, क्यों भाई, 46 के बाद क्या है, पॉइंट, और यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, जब भी तो सिर्फ 46 है यहाँ पर, तो 46 को आप यहाँ पर 0 पे देखें, तो 46 को अगर 0 पे देखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 46 का 0 पे है 6628, तो देखिए इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1.6628। देखिए एक लास्ट केस और डिस्कस करूंगा मैं आपसे, अगर हमें गिवन हो लॉग 4, कितना गिवन है, लॉग 4, तो आप बताइए क्या करेंगे, तो करना क्या है हमें, देखिए भाई डिजिट कितने हैं, 1, तो 1 माइनस 1 तो हो गया 0, तो 0 पॉइंट की टर्म्स में हमारा आंसर होगा। अब लॉग टेबल में कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर गिवन है लॉग 4.0, देखिए यही तो मतलब हुआ 4.0000, आप जितने चाहें उतने 0 लगा सकते हैं पॉइंट के बाद, तो लेकिन हमें सिर्फ कितने डिजिट चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए सिर्फ 4 डिजिट्स, तो हमने तो यहाँ पर 2 0 लगा लिए,
हमारा इन्हीं 3 डिजिट से काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें मेन कॉलम के लिए चाहिए 2 डिजिट और थर्ड डिजिट चाहिए हमें डिफरेंसेस के लिए। अब हम क्या करेंगे, 40 को 0 पर देख लेंगे। देखिए देखिए, 40 की वैल्यू 0 पर है 6021, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर लिख सकते हैं 6021। तो बहुत ही सिंपली हमने इसको समझ लिया है कि लॉग टेबल किस तरह से यूज़ की जाए। एक बार जल्दी से मैं आपको रीकैप दे देता हूँ इसका, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या करना है, 4 डिजिट हम यहाँ पर देख सकते हैं, और उन 4 डिजिट्स को किस तरह यूज करना है। देखिए, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स मेन कॉलम में, थर्ड डिजिट डिफरेंसेस के कॉलम में, और फोर्थ डिजिट मीन डिफरेंस के कॉलम में। और यहाँ पर भी क्या करना है हमें, देखिए कि जो थर्ड डिजिट को देखने के बाद हमारी वैल्यू आई, उसको हम एक जगह लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, तो मेन कॉलम की वैल्यू फोर्थ डिजिट पर हम देखेंगे कितनी आई, वो उसको अलग लिखा जाएगा, और फिर हम उसको ऐड कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, कितने हमारे पास डिजिट्स हैं, -1, जो भी आंसर आया पॉइंट लगाएंगे, और उसके बाद इस तरह से देखकर पॉइंट के बाद आप वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे। तो आई होप लॉग आपको समझ में आया होगा, और आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब जब हम आगे क्वेश्चंस क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, एन्यूटी वाले, किसी भी चीज़ के, उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल ही होगा। तो देखिए, एक काम यहाँ पर और क्या करना है आपको, कि लॉग टेबल तो देखने आपने सीख ली, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि लॉग टेबल और जो लॉग की प्रॉपर्टीज थी, वो दोनों मिलकर ही हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो देखिए, लॉग टेबल तो हमने यहाँ पर देखी, लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप उनको समझ लें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एंटी लॉग के बारे में सीखेंगे, और जब लॉग और एंटी लॉग दोनों ही हम सीख जाएंगे, तब हम क्वेश्चंस करेंगे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के, जिसमें इनको हमें अप्लाई करना है। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।